आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन का ग्राफ द्वारा कैसे निकालते हैं। ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसे हम बहुपद फलन कहते हैं, इसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे ग्राफ बना के। तो आप वीडियो हमको देखें लास्ट तक, क्योंकि ग्राफ में बहुत सारी जानकारी छुपी होती है। मैं आपको एक एक करके सभी जानकारियां दूंगा। सबसे पहले हम फंक्शन का डोमेन देखेंगे। डोमेन हमें ज़्यादातर बुक में या क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारा डोमेन इतना होगा। इस वाले केस में हमारा डोमेन है x बिलोंग टू r, हमारा डोमेन है x बिलोंग टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में बस हमको एक चीज़ देखना होता है कि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू इन्फिनाइट ना हो, नहीं तो हमारा डोमेन में पूरा रियल नंबर आ जाएगा। जैसे हम f 1 लिख लेते हैं, एक्स की जगह हम 1 लेते हैं जो कि रियल नंबर का ही पार्ट है। रियल नंबर में आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक नंबर होते हैं। इसमें से हम किसी भी नंबर को लेके एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं और इसमें देखेंगे कि ये आंसर क्या निकल देता है। जैसे 1² - 5 1 + 6, तो हमें ये 1 पे देता है 2। ये अब 2 लेते हैं, 2² - 5 × 2 + 6, तो ये हमें 2 पर देता है 4 हो गया, ये 0। तो इस तरह देखते हैं कि हम कोई भी नंबर लेते हैं तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमें इन्फिनाइट नहीं देता है। तो इसका मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन है वो रियल नंबर है। अगर कोई फंक्शन हमारे सामने इस तरह हो जाए x-1, ठीक है, तो अगर इसमें हम x के जगह 1 रख दें तो ये फंक्शन बन जाएगा 1/0 और ये हो जाएगा इन्फिनाइट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन रियल नंबर पर डिफाइंड है लेकिन इसमें हम 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 पर ये इनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारा जो इसका डोमेन हो जाएगा ये r-1 हो जाएगा, कि हम सभी नंबर ले सकते हैं सिर्फ 1 को छोड़ के। इस फंक्शन में क्या दिक्कत है कि इसमें कोई ऐसा हमें नंबर नहीं मिला जिससे ये इन्फिनाइट हो जाए, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये पूरा जो रियल नंबर है वही हमारा डोमेन है। तो बुक में हमें हमेशा ये रियल नंबर दे देता है, चाहे क्वेश्चन ऐसा हो चाहे ये वाला हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें डोमेन दे देता है। बस हमें वो पॉइंट खोजना होता है जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो या तो इन्फिनाइट हो। तो हमें दो ही पॉइंट खोजना होता है, या तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जैसे कि डिफाइंड ही ना हो, या तो इन्फिनाइट हो, ठीक है। तो हमें तो प्रांट निकालना बहुत आसान है, जिसे हम डोमेन कहते हैं बहुत आसान है निकालना। मेन दिक्कत होती है हमारा रेंज निकालने में। तो रेंज निकालने के लिए आज हम यूज करेंगे ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में देखिए ये फंक्शन है, तो फंक्शन का बेस क्या है? फंक्शन का बेस होता है y = x². देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर है, ये भी है, ये होता है इसका ग्राफ यू शेप का बनता है। कभी भी आपके सामने ऐसा इक्वेशन आए जिसमें y या f(x)² होता है तो इसका ग्राफ यू शेप का बनता है, कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। जो ये ओपन होता है ना, ये किधर का किस साइड ओपन होगा इसका हम देख लेते हैं। जैसे एक मानिए x और y एक्सिस है, यहाँ y = x² है, तो x के पावर देखिए कितना है, 2 है, y के पावर 1 है। तो जिसके पावर 1 होगा ग्राफ का जो मुंह होगा उधर ही रहेगा, जैसे इस वाले केस में इस तरह रहेगा ये। अगर हमारा y² = x होता तो इसका भी यू शेप ग्राफ बनता, लेकिन इस बार ग्राफ का जो मुंह रहेगा वो x की तरफ रहेगा क्योंकि इसके पावर जो है इसका पावर 1 है, जिसके पावर 1 है उधर ही ये ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया ग्राफ बेसिक। अब इसमें जो -5x + 6 है उसका क्या काम है? x² हमें बताता है कि ग्राफ यू शेप बनेगा और आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता है कि ग्राफ कहाँ बनेगा। बनेगा तो यू शेप ही लेकिन ग्राफ कहाँ बनेगा? तो इसको हम अपने स्थान से इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, वो शिफ्ट होता है इसके माध्यम से x² - 5x + 6 से। अब मान लीजिए हमारे सामने ऐसा कोई फंक्शन आ गया है x² - 5x, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं जिसको इंग्लिश में फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, x कॉमन लेते हैं और x-5 अंदर हो जाता है,
इसका यह मतलब होता है कि हम x 0 रखें तो भी y 0 होगा, हम x 5 रखें तो भी y 0 होगा। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, एक 0 लेते हैं और एक 5 लेते हैं, ठीक है, तो 0 पे भी 0 होगा, 5 पे भी 0 होगा, और ग्राफ बनेगा यू शेप का, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हम इस तरह ये खींच देते हैं जो 0 और 5 से होके जाए। आप समझ रहे हैं, अब मान लीजिए आपके सामने इस तरह कोई कंडीशन बन जाए, तो इसका सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके निकालेंगे x माइनस टू और x माइनस थ्री। तो इस केस में क्या होगा कि ग्राफ 2 और 3 से होके जाएगा, ग्राफ 2 और 3 से होके जाएगा, क्योंकि 2 और 3 रखने पे ये y 0 हो जाता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस का 0 यहाँ पे है, तो ग्राफ को यहाँ पर कट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह ग्राफ होके जाएगा 2 और 3 से, और जो ये लास्ट नंबर है 6, ये बताता है कि y एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, तो ये कट करेगा 6 पे। इस वाले केस में देखिए कि यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं है, इसका मतलब लास्ट नंबर 0 है, तो ये y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, ये 0 पर कट करेगा, देखिए ये 0 पर कट किया है, या अगर यहाँ पर 1 होता तो ये 1 पर कट करता। देखिए आपके पास 3 हो गया इन्फॉर्मेशन, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, और ये ग्राफ का जो ये मिडिल है ना, जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमम होता है, ये जो दोनों नंबर है जहाँ पर इस जो इसके रूट आए हैं इसके बीच में होता है, जैसे कि 2 और 3 के बीच में कौन आएगा, 2.5 आएगा, तो ये 2.5 होगा, ठीक है। और 2.5 को जब इसमें हम रखेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा कि ये पॉइंट कितना है। अगर हम इसको 2.5 को इसमें रख दें, आइए रख कर देखते हैं इसे 2.5 को, हमारे पास x माइनस टू है और x माइनस थ्री है, इसमें 2.5 को रखते हैं जब हम, तो 2.5 माइनस थ्री, तो इसका आता है आंसर -0.25। इसका मतलब कि ये जो कट किया वाई एक्सिस पे, ये -0.25 होगा। हमें ग्राफ के बारे में सभी जानकारियाँ मिल गई हैं। इस वाले केस में इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में क्या होगा, ये इसका भी 2.5 होगा। अब 2.5 को इसमें हम रखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हम आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक नए ग्राफ में देखते हैं, जिससे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसका फैक्टराइज करते हैं, जिसको हम गुणनखंड बोलते हैं, तो हम इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। उसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। ग्राफ बनेगा यू शेप, जो 2 और 3 से जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 है, तो एक्स वाई एक्सिस पे 6 पर कट करेगा ये, तो हम इस तीनों पॉइंट को लेके एक ग्राफ खींचेंगे जो यू शेप का हो। देखिए इस तरह कुछ खींचती हैं, इसका मुख खुला है वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि वाई के पावर 1 है, तो ये हो गया। अब हमें सिर्फ चाहिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को पता चल गया तो हम बोल दें कि रेंज हमारा यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक है। इस पॉइंट के लिए हम बताएं कि जो 2 और 3 है, जहाँ पर एक्सिस को कट किया है, इसका मिडिल पॉइंट होता है, ये 2.5 हुआ, 2.5 को इसमें आप रख दीजिए, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, तो ये आया 0.25, तो ये पॉइंट हो गया 0.25 से लेके देखिए ये इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन का रेंज हो गया -0.25 से लेके इन्फिनिटी तक। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से लगा लीजिए, आंसर इसका यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ द्वारा बहुत सही निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है। आपको सिंपल क्या करना है, बस उसका फैक्टराइज करना है, आप उसका गुणनखंड निकालिए और देखिए कि दो उसके जो रूट है उसके बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा,
तो हमारे टू और फोर के बीच में थ्री होगा, तो वही पॉइंट इसमें रखिए, जो आंसर आया उस वहाँ से लेके आप डायरेक्ट इन्फिनाइट बोल दीजिए, जो भी आया आपका आंसर वही होगा। डोमेन और रेंज ग्राफ द्वारा इस तरह निकालते हैं। आगे हम फिर चैप्टर में हम आपको रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाएंगे और उससे डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।